दोस्तों आज हम चल रहे हैं एक ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी के घर जो 10 वर्ष की अवस्था में ही उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से निकल के मुंबई तक के लिए क्रिकेट का सपना सजोए हुए अपने मन में निकल पड़ा था। तो दोस्तों आज हम उसके घर पे चल रहे हैं उस क्रिकेट खिलाड़ी के और आप लोगों को दिखाते हैं उनका जीवन के विषय में सब कुछ आप लोगों को बताएंगे साथियों कि किस तरह से वो डेयरी पे काम करते थे, वहां से उनका सामान निकाल के फेंक दिया गया, फिर गोलगप्पे की दुकान पे उन्होंने काम किया। उसके बाद जब मौका मिला साथियों तो मात्र 16-17 वर्ष की अवस्था में उस क्रिकेट खिलाड़ी ने जो है अपने 6 मैचों में 400 रन बना के सभी क्रिकेट कोच को अचंभित कर दिया गया। और आज वह क्रिकेट खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स में जो है बतौर एक प्लेयर 2.5 करोड़ के ऑप्शन के साथ खरीदा गया था साथियों। तो आइए हम देखिए, हम उनके घर पे आ चुके हैं साथियों और यही उनका घर है यशस्वी जायसवाल जी का। देखिए यहाँ पे काफी बड़ा सा जो है बाउंड्री है और वो जो गेट देख रहे हैं गेट के जस्ट सामने आप देखेंगे तो वहीं इनके पिताजी का दुकान है, वहीं दुकान पर बैठे थे, अभी आ रहे हैं। और साथ में इसके जस्ट बगल में देखेंगे वो तो जो है वो पुलिस थाना है, यहाँ पे सूर्यावां का जो है थाना है। और देखिए ये बड़ा सा ग्राउंड है इनका, अपने घर का है। और देखिए अभी इनके पिताजी जस्ट आ रहे हैं साथियों, तो हम अभी उनसे बातचीत करते हैं। देखिए दोस्तों ये इनके पिताजी आ गए अभी जस्ट, यही है इनके पिताजी। देखिए इनका ग्रेनाइट वगैरह का दुकान जो पेंट उंट का है तो यहाँ पे दुकान है। तो अभी आ रहे हैं तो हम इनसे इंटरव्यू करते हैं और यशस्वी जायसवाल जी के विषय में सब कुछ जानते हैं। तो देखिए साथियों हमारे साथ यशस्वी जायसवाल जी जो कि अब राजस्थान रॉयल्स के सबसे चमकदार क्रिकेट प्लेयर बन चुके हैं, उनके पिताजी हमारे साथ बैठे हुए हैं तो हम इनसे जानते हैं साथियों। वैसे एक कहावत है दोस्तों की फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, आज कर खुद पे मेहनत फिर देख कल होता है क्या। तो वही सपना जो है साकार किए हुए हैं यशस्वी जायसवाल जी, तो हम उनके पिताजी से सब कुछ जानेंगे। तो चाचा अपना संक्षिप्त परिचय। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार जायसवाल है जी, मैं सूर्यावां से हूँ। अच्छा अच्छा, तो इनके क्रिकेट करियर का स्टार्टिंग कैसे हुआ, यहाँ गांव से कैसे स्टार्ट किए ये जो है क्रिकेट खेलना? बचपन से उसे शौक था खेलने का जी जी जी, और यही मैदान है, यहीं से प्रैक्टिस स्टार्ट की जी, मैच खेला और सब जगह जाके। अच्छा अच्छा, यही वो ग्राउंड है जहाँ पे ये खेलते थे? अच्छा अच्छा, स्टार्ट किए जी। आप भी हम जो है की क्रिकेट के अच्छे प्लेयर रहे हैं, खिलाड़ी आपका भी बैकग्राउंड रहा है जी जी। तो मतलब बहुत गरीबी दास्ता में, जैसे वो हमने सुना कि मुंबई अपने चाचा के साथ जब रहने गए थे वो तो काफी संघर्ष झेलना पड़ा, तो कोई एकाक जो वाक्य ऐसा हो आपके ध्यान में? सबसे बड़ा संघर्ष तो बेटा का मेरा यही था कि वो अकेले था जी जी, 10-11 साल की अवस्था में बच्चा अकेले जी स्ट्रगल करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। उसको जिद था कि मैं मुझे इंडिया खेलना है जी जी। उसके बीच वो आजाद मैदान में जैसे पुलकी बेचा जी, बहुत सा काम मैदान में ग्रामीण लग समय जो भी चीज आता था समय होता था तो बेचता था जी जी। तो वो 2 साल ही स्ट्रगल किया, इसके बाद फिर ज्वाला के पास गया तो वहाँ कुछ करना नहीं पड़ा फिर उसको जी। तो जैसे कि हमने सुना कि वहाँ पे उसके बाद उनके चाचा जी के यहाँ थोड़ा सा रहने में दिक्कत होती थी, घर जगह कम थी जी। तो जैसा हमने सुना कि वहाँ पे जो है जगह कम पड़ती थी, तो उसके बाद उनके चाचा ने उन्हें एक डेयरी पे जो है रखवाया था। हाँ वो तो डेयरी मुम्मा दीवे के बगल में श्याम डेयरी एक था जी जी, वहीं पर रहते थे। अच्छा फिर अच्छा, वहाँ 1-2 महीने था, फिर वहाँ काम नहीं कर पाता था, खेल के आता था थक जाता था जी जी। फिर वहाँ से उसको निकाल दिए तो आजाद मैदान गया जी, फिर वहीं से फिर वो स्ट्रगल चालू हुआ जी। उसके बाद उन्होंने जो है कि वहीं आजाद मैदान में ही टेंट में रहना स्टार्ट किया, वहीं फुल्की बेचे, वहां से फिर गुजारा नहीं हो पाता था तो फुल्की बेचते थे जी। तो कभी आप लोगों को जैसे इस चीज की घटना उन्होंने बताया कि मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है, यहाँ दिक्कत हो रही है, कुछ ऐसा? नहीं वो नहीं बताता था, हम लोग 1-2 महीने में जाते थे, 4 महीने में एक बार 2 बार चक्कर लगाते थे, जाते थे, जो होता था उसको देते थे जी। मेरी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं दे पाता जी, फिर भी मैं भाई बेटा था, जो हो सकता था मैं करता था जी जी। हमने ये भी सुना कि वहां से निकाले जाने के बाद टेंट में रहते थे, तो यशस्वी जायसवाल जी का हमने एक इंटरव्यू सुना था तो उसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें उस टेंट में सबसे ज्यादा दिक्कत बरसात के दिनों में होती थी, जब बारिश का पानी भर जाता था तो एक जगह से दूसरे जगह टेंट जो है लगाना पड़ता था। तो इन सब घटनाओं के बारे में मुझे नहीं लगता है कि वो घर पे बताते रहे होंगे, ये सब नहीं बताते जी जी। तो उन्होंने काफी संघर्ष किया है। तो कितने भाई बहन हैं यशस्वी जी?
दो बहन दो भाई हैं। दो बहन दो भाई हैं जी जी। तो यशस्वी जायसवाल जी छोटे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, सबसे छोटे। अच्छा, इनसे इनके बड़े भैया और यशस्वी जायसवाल? अच्छा, वो क्या करते हैं? वो भी क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, क्रिकेट खेलते हैं जी जी। और आपका अपना पेंट का दुकान है? जी जी। तो अब जैसे यशस्वी जायसवाल जी अब तो मान लीजिए वहाँ पे हो गए हैं, तो अब बातचीत होती है कि नहीं आप लोगों से? डेली बातचीत जी जी। तो अपना परिवार अब यहीं पे है कि अब वहाँ चला? हम लोग वहीं रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी। यशस्वी आ जाता है तो वहाँ रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो कहीं टूर पे चला जाता है तो हम लोग गाँव आ जाते हैं। गाँव आ जाते हैं आप लोग? तो इस टाइम तो अभी देखिए मुझे लग रहा है कि 10 तारीख से मैच होने वाला है। आज से उसका मैच स्टार्ट है। आज से उनका मैच स्टार्ट है जी। तो अफ्रीका के लिए वो निकल भी चुका, तो वहाँ पे होंगे जी। जी बिल्कुल। तो मतलब परिवार अभी आप लोगों का जैसे यहीं पे बेसिकली रहा, यहीं पे रहा है? नहीं, बॉम्बे। अच्छा, आप मुंबई ही रह रहा है अपना परिवार? परिवार जी। तो आप तो जैसे धान उन लगाने चले आए हैं ना, धान कटवाने, ये सब शादी ब्याह पड़ा था तो करना पड़ता है। हाँ हाँ जी। तो मतलब अब आप लोगों का ठिकाना वहीं हो गया है, धान उन बाकी का समय यहाँ पे गुजर रहा है, लेकिन अब आप लोगों का मन है वहीं पे शिफ्ट होने का? जी। तो अब कैसा लगता है जैसे परिवार में अब लड़का नामी हो गया है, लोग जानते पहचानते, तो अब कैसा लगता है? अरे भाई, अब नाम हमको क्या चाहिए, बेटा मेरा नाम कर रहा है, इससे बड़ी खुशी है एक बाप को क्या होगी, आप बताइए। जी जी जी। मेरी इच्छा उसने पूरा कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सारा अरमान पूरा कर दिया जी। तो काफी अच्छा आप लोगों को अब लग रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो धन्यवाद आपका चाचा। के घर आते टाइम आपको एक बड़ा सा ग्राउंड मिलेगा जहाँ की बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं क्रिकेट खेलते हुए आपको मिल जाएंगी। ये ग्राउंड है, देखिए यहाँ पे सफ़ेद पोशाक में बहुत सारे बच्चे जो है क्रिकेट खेलते हुए आपको दिख जाएंगे। साथ में यहाँ पे नेट प्रैक्टिस का भी बना हुआ है, देखिए वो मिल जाएगा ये नेट प्रैक्टिस। तो चीज देखने को मिली है यहाँ पे। अब जस्ट इसके बगल में देखिए ये रास्ता है और इसी के जस्ट बगल से ये मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं इसी से आया हूँ। तो आइए अब आगे चलते हैं हम लोग।